बहुत बड़ा गांव हो गया जिंदगी में, पहली बार ऐसा बड़ा गांव हो गया मेरा। पत्थर में काटने से आवाज होते है ना, हाँ। सेम वैसा ही हाथ में आवाज हुआ है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है और एक नई ब्लॉग्स में। सो दोस्तों, घर में तो पहुंच गई है, बहुत दिन दो तीन दिन हो रही है जो ब्लॉग करा था ना, फाइनली वो पूरा अपलोड हो चुका है। अभी घर का ब्लॉग डेली होगा। तो आज बापू का पहला दिन होगा स्कूल, उसके लिए मैं आलू बना दे रही हूँ और राइस तो ऑलरेडी बना लिया है दोस्तों, कुछ भी सब्जी नहीं है हम लोग के लिए। देखते है ना, आज तो चैनल पे नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और प्यार जुड़े रहना। यहाँ पे है बापू, टीवी देख रही है। हेलो बोलो बाबा। ओ हंस रही है, आज स्कूल में जाएगा ना, जाएगा। हाय हो ना बाबा, गुड मॉर्निंग हमारा। एकदम हम लोग स्कूल जाने में रेडी हो चुका है दोस्तों। आज बापू का पहला दिन होगा स्कूल में और मैं भी जाऊंगा, साथ ही साथ यहाँ पे सुबह सुबह ये बैंगन बेच निकला है, छोटा छोटा बच्ची। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, दिखाओ कितना है ये। हो देंगे देखो, ना ना लो ना रो, 20 रुपया बेच निकले आया, ये छोटा छोटा बच्चे है, तो एक मदद कर लेते ना हम लोग। ये दो भाई है, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला, का नाम बीजे है, इसका नाम था नानी नांग है चोजक्के। मैंने बैगन भी ले लिया है एक, लेकर पास कितना मिला है पैसा दिखाओ। एक दो में देखे तीन, बस 60 रुपीज का सेल किया है इन लोगों ने, अच्छी बात है यार। जाओ और वो सेल करो, जाओ इसी में बेचो, जाओ जाओ। और खुशी खुशी से जा रहे हैं लोग। अभी थोड़ी देर में लाल किले मन का हमें बात कर रहा है, उसके बाद हम लोग जाएंगे स्कूल में। अभी 8:20 हो गया है, 8:30 जाएंगे हम लोग। बस के 35 मिनट हुआ है दोस्तों, अभी मैं भी थोड़ा रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए। और बाहर थोड़ा थोड़ा हवा भी आ रही है और बहुत तेज़ी से धूप दे रही है। सुबह सुबह तो पहले धूप भी नहीं था, इतना बादल खाले खाले था, हमें सोचा बारिश देगा। ये देखिए बहुत तेज़ी से धूप दे रही है और हम लोग का पास छाता एक भी नहीं है। बापू छाता नहीं है, कैसे जाएंगे बाबा? हैं क्या, कहाँ छाता है, कहाँ छाता तो है ना, छाता तो है ना बोलता है। और ये मैं मनोज का पापा का चप्पल पहना है, बार बार गाली करता है। मेरे पास 3 चप्पल है, फिर भी मेरा चप्पल पहनते हुए ऐसे बोलता है। उसका पास एक ही चप्पल था। तो बापू का बैग मैंने ले लिया है, यहाँ पे उसका किताब, उसका पानी का बोतल और जो भी चाहिए, और बापू के लिए ना वो लिखने वाला भी बुक चाहिए, वो लिखने वाला बुक नहीं है। चलो तो जा रही है अभी आगे आगे बापू, चलो। जा जाओ ना, क्या हुआ, पापा के साथ जाएगा? बापू तो आज बिल्कुल खुश नजर आ रही है ना बाबा, पहली बार स्कूल में जा रहे, एक्साइटेड। और मैं भी एक्साइटेड, बापू के साथ साथ मैं भी खुश जा रही हूँ। बापू के लिए एक खाते लेंगे, खाते चाहिए, खाते खाते लिखने वाला है ना, 20 रुपया हुआ है। चलो जाओ। पहुंच गया है बापू स्कूल में। बापू एक्चुअली यहाँ पे ऊपर में जो है ना, पूरा हम लोग का जहाँ भी जाते हो ना मंदिर, स्कूल जो है टॉप पे ऊपर होता है। खाली मेरा स्कूल जो है ग्राउंड में है, जो जहाँ पे मैं स्कूल करता हूँ। और यहाँ पे अंगा नदी जो सेंटर है, यहाँ पे ABCD पढ़ाते हैं, मत त्रिशरा देखो ये है स्कूल। बापा अच्छा से पढ़ना हाँ, ठीक है, तो तीसरा का बाद चुनना हाँ, ABCD पढ़ना। यहाँ पे मम्मी वेट करेगा उसको और मैं जाऊँगा अपना, और थोड़ा दूर है मैं। चलो अभी फोटो खींच लेते हैं। लो बापू के लिए फोटो खींचा है, आराम से बैठा हुआ है। ठीक है बापा रे लो, और आप लोग फोन रख लो हाँ।
मैं तो थोड़ा लेट हो जाऊंगा आने में, और ये लोग तो बापू जब जल्दी छुट्टी हो जाएगा तब जाएगा घर में। हाँ बापू के लिए कुछ लाया है? नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? भूख लगेगा। हाँ चलो रह लो। बाय बाय बाबा। बाय बाय। मम्मा दे दो। ठीक है बाय बाय। चलिए देखते हैं टीचर आया है कि नहीं आया, और बच्चे लोग आया है कि नहीं। स्कूल तो खुला है दोस्तों, लेकिन टीचर अभी तक नहीं आया होगा। एक भी बच्चे भी नहीं है, आवाज कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे वेट करेंगे। तो छुट्टी हुआ है बापू का, और इन लोग को पापड़ मिला है। रोज स्कूल में आएगा ना बाबा? अभी स्कूल में आएगा तो क्या मिलता है? क्या पापड़? पापड़ मिलता है बोल रहे हैं। घर में पहुंच गई है दोस्तों। बाप रे इतना गर्मी है, और बापू का ना फीत खुजली हो रही है आते ही। और मनोज का पापा का मोबाइल है ना धीरे धीरे काला काला हो जा रहे हैं, क्योंकि कल कपड़ा धोने के लिए गया था दोस्तों, और मुझे पता भी नहीं था जो बैग में मोबाइल था करके, तो पानी लग गए। उसके बाद पानी घुस गया तो अभी पूरा काला हो रही है। अगर पूरा काला हो जाएगा तो मोबाइल तो नहीं देखेगा, ब्लॉग भी बना भी नहीं पाएंगे, मोबाइल ख़राब हो जाएगा। तो इतना दुख लग रही है मुझे, बहुत ही टेंशन हो रही है। बापू को नहला दिया है दोस्तों, और नहलाने के बाद सुला दिया है, वो अभी सो रही है। और पता नहीं बारिश देगा ना, काले काले लग रही है फिर से। और गर्मी भाई बाप रे इतना गर्मी है, अगर रूम का अंदर घुसेगा तो अपने आप पसीना निकलते जाते हैं। थोड़ा बाहर थोड़ा ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, ये देखो। तो घर में बैठ के क्या करेंगे दोस्तों, किधर भी जा नहीं पा रहे हैं। और मैं अभी खाएंगे लेमन जूस बनाएंगे दोस्तों। 3 लेमन है जो मम्मी से लेके आया था ना, वो लेमन अभी भी एक भी नहीं खाया है, तो मैंने संभाल के फ्रिज में रखा है, जब मन करेगा तब खाने के लिए अभी ये जूस बनाएंगे। तो अभी एक्चुअली इमरजेंसी में हम लोग जा रहे हैं दोस्तों तलाबुंग, या नहीं तो तुझों में देखे गए, तुझों में नहीं हुआ तो डायरेक्ट तलाबुंग जाना पड़ेगा। और पूरा मनंत का मम्मी और मैं, एक्चुअली क्या हुआ सीन मैं बताता हूँ कि हम लोग गया था तो ब्लॉग तो गाड़ी से ही शुरुआत हो रहा है, तो देखते यार अगर आज का ब्लॉग और कल का ब्लॉग हम लोग मिस करके डाल सकते हैं। और एक्चुअली हम लोग गया था वो नहाने के लिए, और नहाने के जाने के टाइम में मुझे हमें बोल रहा था कि तो केला का फिर वगैरह भी लेके आएंगे, तो हम लोग दाऊ लेके गया। और दाऊ लेके जाने के बाद हम लोग केला का फिर भी पूरा निकाल लिया था, निकालने फिर आधे रास्ते पे छोड़ के गया, और स्कूटी भी साथ में लेके गया था हम लोगों ने। फिर नहाया नहाने के बाद आने के टाइम में, और जो स्कूटी का बॉक्स में है ना तो वहाँ पे बराबर नहीं आ रहा था, केला का फेर जो है थोड़ा लंबा हो गया था, 3 बराबर हो गया था, 1 लंबा हो गया था, तो वही काट रहा था मैं जो बराबर करने के लिए, ताकि स्कूटी का यहाँ पे आ सके, और मतलब बॉक्स में आ सके, तो उसी कारण मैं वो शॉर्ट कर रहा था। फिर मेरे को जाके ये गाँव इतना बड़ा गाँव कर दिया ना मैंने। अभी पानी पार हो रहा है दोस्तों, और मेरा गाँव इतना बड़ा हो गया था क्या ही बताऊँ यार, सच में यार बहुत बड़ा गांव हो गया। जिंदगी में पहली बार ऐसा बड़ा गांव हो गया मेरा, सोचा नहीं था कि ऐसा गांव हो जाएगा बोल के। मैं वो बराबर करके मतलब केला का पेड़ काट रहा था, पहला केला का पेड़ के बदले में हाथ को काटा है बहुत बड़ा करके, पूरा अंदर में जो ये वगैरह रहता है हड्डी वगैरह रहता है ना, वो हड्डी वगैरह भी काट हो गया, वो हड्डी का ऊपर निकल गया था क्या मेरा, मेरा हिसाब से भी मैं देखा था व्हाइट करके हड्डी पूरा ऊपर, हड्डी का ऊपर जो चला गया था मेरे ख्याल से, मैंने उसे देखा है आंखों में।
बाद तो हम लोग पहुँच गए हेटो चौक में। यहाँ पे देखेंगे सब सेंटर में है, और यहाँ पे नहीं हुआ तो तालाबों में जाएंगे। और बापू भी आया साथ में, उनका मामी भी आया है। देखते हैं और डर लग रहा है मेरे को। जिंदगी में पहली बार ऐसा वाला बड़ा गांव हो गया मेरा, इसलिए डर लग रहा है। एक बार भी नहीं बनाता है। कुछ ना बता दे यार, फिर ना करूँगा तो सर। बहुत बड़ा बहुत मैं बच्चे की तरह रिएक्ट किया एकदम, इतना पेन कर रहा था। देखो जिंदगी कौन सा मोड़ पे कब क्या लेके आते हैं, कब मुसीबत आता है कोई पता नहीं चलता। तो दोस्तों सिलाना तो हो गया है और इंजेक्शन भी लगा दिया है, और दवाई जो बांधे ने लेके आ रहे हैं, दवाई क्या क्या जरूरी है। ये दवाई होगा मनोज के पापा का दवाई जो दे दिया है, और पता नहीं क्या देगा, बांझे लेके आ रही है।
आपसे भी ज्यादा ना मैं कांप रही थी। ना फेन करता है, इतना फेन करता है जिंदगी में भाई। जो इसको इसे सिलाते हैं ना, उसको खुद मालूम होता है कि क्या प्रिंट है, इसका फील क्या है। जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होना, मैं दुआ तो अभी जा रही है, ये वाला बेले सोता है, दो ही ताई है, दो सारे है सब तीन वाला बिल में भाज भाज दो। अब वो ओ भी जरा अच्छे दोस्त आए हैं, ले बेले सोता। अभी हो चुका है सब कुछ, अभी जा रहे हैं, अपना गाड़ी भी आ चुका है। बहुत मुश्किल था भाई, ओ हाय हुल ना रहा का ना भाज दे ना दो खाली ले ना दो। हेलो दरबदर ने इस पारा है, ये ड्राइवर हर टाइम ड्रंक रहता है। दरवाजा नहीं, चलते हैं। बस हो गया, मैं अभी चलते हैं। मेरा नाम है बिजुराम, मेरा नाम है बिजुराम। वो क्या है, पानी है, पानी पी रहा है। वैसे मौत नहीं है, पानी मैं पहले लिया था, शनिवार को लिया था ये कोकोनट, क्योंकि मैं थोड़ा कोकोनट का पानी है। हाँ, पहले था अभी नहीं है, अभी पानी है इसलिए मैं पानी पी रहा हूँ। ओके चलो अभी चलते हैं। तो पहुँच गए हैं दोस्तों, अभी भैया का घर में खाना ही खाएंगे। यहाँ पे खाना बना दिया है बोझ, तो फाइनली पहुँच गया है घर में दोस्तों। और एक्चुअली डिनर वगैरह तो भैया लोगों ने बना दिया था वहाँ पे, तो बना के रखा था वहाँ पे, डिनर वगैरह किया और रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद थोड़ी देर में आ गया, और आज तो सो पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, इतना दर्द दे रहा है ना, पूरा जलन कर रहा है मेरा हाथ जो है। दवाई वगैरह दिया है, दवा वगैरह ना, उसके बाद रेस्ट करना है भाई, सो जाना है। जिंदगी में ऐसा ही बोलते हैं लोग, कब क्या मूड पे, मतलब कब मुसीबत आता है, जानबूझ के नहीं आता है, वो अचानक हो जाता है। मेरा आज हालात खराब था। हाँ बाबा बोलो। बापू भी अभी तक सोया नहीं, इसने खाना भी नहीं खाया, कुछ खाया है चीज़ें। और यहाँ पे मन का नहाएगा ना लो, हाँ ना आयो, पूरा पसीना निकल गया। आज हो चुकी है नेक्स्ट डे, कल हॉस्पिटल से आने के बाद दोस्तों कंटिन्यू नहीं किया था ब्लॉग को, वैसे भी एंड नहीं किया था, और मैं डिटेल भी नहीं बताया था वहाँ पे, ओनली दिखाया था, मोबाइल ऑन करके रखा था, बांजे को कैमरा ऑन करने के लिए बोला था, वो कुछ भी नहीं बोला यहाँ आके भी, क्या किया क्या नहीं किया उसका हाथों में। तो एक्चुअली उसका हाथों में तो सिलाई करना पड़ा दोस्तों, चार धागे ऐसे सिलाई किया था, तो उसके बाद वो दवाई देके बांध के रख दिया। तो अभी मन का पापा थोड़ा ठीक बेहतर फील कर रही है, वैसे भी कल शाम को इतना ज़ोर से बुखार आया हाथों के जो पेन के वजह से है ना, तो बुखार आई, अभी थोड़ा ठीक लग रही है बोला था। तो मैं थोड़ा उसका हाथ दिखाती हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो ये लाल करके जो ये खून नहीं था, ये दवाई है ना, दवाई दे दिया था, तो ये खून है, ये दवाई है। हाँ ये दवाई है। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर।